चिकित्सा सुविधा भी
की जरूरत नहीं हो, हम लोग अपने आप यहीं से शुरुआत अपना काम कर देंगे। हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। ये राजा कह रहा मानो की मेरे पास खबर है, और अगर इसमें कुछ और अपने को जोड़ना है तो मेरे को बता दीजिए, क्योंकि मैं ये देख रही हूं कि इस सरकार ने भरतपुर संभाग के अंदर जो दौरा किया है, उस दौरे के अंदर मैंने सबको वंचित ही पाया। ना किसी को बिजली मिल रही है, ना किसी को पानी मिल रहा है, रोडों की हालत बहुत ही खस्ता है। आप तो फिर भी यहाँ भैया वाली ठीक है, मैं तो समझती हूँ कि अंदर वाली ठीक नहीं होगी। क्यों? हमारी आदत है दिखावा दिखावा करते हैं, तो बाहर वाला सामान तो ठीक दिखता है, अंदर वाला सामान तो वैसे ही है ना। सब दूर मेरे को रोड की मुसीबत थी, डांग वैसे उजाड़ पड़ा हुआ, और वहां लॉ एंड ऑर्डर की जोरदार सिचुएशन, मैंने रोज रोज मुसीबतें हो रही हैं, रोज रोज लोग परेशान हो रहे हैं, माताएं बहने तो ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। ये सब चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको देखने को मिला। ऊपर से बात होती है तो ऊपर वाले सबको ये कहते हैं कि हमने तो पैसे की बहुत छाप लगा दी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने तो उनको फ्री दवाई दे दी या सस्ती दवाई दे दी, उनके फ्री जांच करवा लिए, उनको गेहूं फ्री दिलवा दिया, एक रुपए गेहूं का मतलब ये फ्री मैंने फ्री दिलवा दिया, हमने मकानों के लिए 50,000 बीपीएल परिवारों को दे दिया, हमने लोगों को लुगड़ी के बजाय 2,000 रुपए दे दिए, हमने नौकरी दिलवा दी महानरेगा के अंदर। आप सब जानते हो कि महानरेगा कितने दिन से नहीं चल रही, लूट 13 हजार करोड़ की लूट। अब हमारे समय के अंदर 26 लाख परिवारों को, 26 लाख लोगों को रोजगार मिली थी, और अब 1,25,000 से कम, और वो भी सही तरीके से पैसे नहीं मिलते, किसी को 30 रुपए तो किसी को 40 रुपए तो किसी को 1 रुपया, मजाक बना के रखा हुआ है, और पूरा काम का मैंने बंदी हो चुका है, घपले घोटाले पूरी तरह से, मच्छरों पर्ची भरे जा रहे हैं, लोगों को सही तरीके से जो काम धंधा मिलना चाहिए नहीं। और मैं आपको बता रही हूं कि जब हमारे समय के अंदर ये नरेगा चलता था तो देश का सबसे प्रथम प्रदेश राजस्थान, सबसे प्रथम 26 लाख नौकरियों के साथ जो लोगों ने मेहनत की और परिश्रम किया, उसके अंदर जो बना परिसंपत्तियां जो बनी, उस परिसंपत्तियों के बनने से राजस्थान आगे बढ़ा। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ये आपको जो भी बातें कह रहे हैं वो सब पर्ची पड़ा, यहां तक कि राज्यपाल महोदय भी बहुत जोरदार तरीके से खड़ा हुए, उनने तो जोरदार तरीके से अपनी नाराजगी भी जताई, और उन्होंने ये भी कहा कि दलित आदिवासियों के अंदर जितना पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और ये सरकार बात करती है परंतु जमीन के ऊपर काम नहीं करती है। ये मेरी बात नहीं है, ये खुद राज्यपाल महोदय ने कह दिया। एक मंत्री है, उनका नाम भी आप लोग जानते हो, जो रोड बनाते हैं, उन मंत्री ने यह कहा कि हम मंत्रियों की सुनवाई सरकार के अंदर नहीं होती है तो गरीब की क्या सुनवाई होगी, ये मंत्रियों का कहना। तो राज्यपाल तो कहता है कि ये तो बिल्कुल फर्जी बातें हैं, जमीन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, और मंत्री कहता है कि मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती तो गरीब की बात क्या सुनी जाएगी। और राजस्थान अधर में पड़ा हुआ है। आज मैं धौलपुर के बारे में बात करने आई, धौलपुर एक पिछड़ा इलाका सालों सालों से रहा, 40-50 साल तो हम ही लोग देखते जा रहे हैं, और आज मैं आप लोग सबको कहने आ रही हूं कि ये एक मौका अपने को मिला है गड्ढे में से निकलने की कोशिश करना है कि नहीं करना है। तो करना है तो भाइयों इधर उधर पूछने के बजाय, उधर उधर पूछने के बजाय हमारे साथ बात करो, साथ में चलो, एक दफा मौका दो, सरकार अपन मिलकर बनाए, सरकार मिलकर बनाने के बाद अपना यहाँ एमएलए बने, और अपन आगे चल के एक धौलपुर का एक नया प्रगति का रास्ता नापे। क्या आप लोग सब नहीं चाहते हो क्या? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हम नहीं चाहते कि हमारी महिला सुरक्षित हो, हम नहीं चाहते कि रात के 5 बजे के बाद बातें नहीं चले, वही पुरानी बातें, हम नहीं चाहते कि विरोधियां हो, हम नहीं चाहते ये सब चीजें, हम चाहते हैं कि हम इज्जत के साथ रहें, हम चाहते हैं कि हमको स्वाभिमान मिले, हम चाहते हैं कि गरीबान पकड़ के कोई हमको खींच के नहीं ले जाए जैसे हमेशा ले जाया करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने
अपनी इज्जत के साथ राजा खेड़ा धौलपुर बाड़ी और बचेली के अंदर रहे। आप चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो कि हमारी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, हमारी महिला सड़क के ऊपर सुरक्षित चले? चाहते हो ना? अगर हम लोग ये सब चाहते हैं तो गड्ढे में क्यों अपन अपने आप को डाले रखे? ये बहुत दिन हो गए आपका और हमारा ये डायलॉग कब से चल रहा है? मैं बार बार आपसे कहती हूँ, आप बार बार मुझे कुछ कहते हो, ये चलते चलते 20-30-40 साल से एज हो गए, बच्चे अपने सब बड़े हो गए, और अब बच्चे जब हमसे पूछ रहे हैं आपसे भी पूछ रहे होंगे कि भैया ऐसे रहना है कि अपन कुछ करने वाले अपने क्षेत्र का, आगरा उधर पड़ गया, इधर आपका ग्वालियर पड़ गया, और हम बीच में ऐसे पड़े हुए, ऐसे ही बीच में भूखे प्यासे पिस रहे हैं। हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो एक ही रास्ता है, सरकार अपने को बनानी है, इस सरकार के अंदर अपने को भागीदारी रखनी है, और भागीदारी रख के अपने हक के साथ अपना काम करवाना है। अब हमें समय नहीं है, और क्योंकि समय नहीं है और सब लोग आगे निकल रहे हैं, हम लोगों को मिलकर ये काम करना है। बोलो आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। यहाँ मेरे जाने माने बहुत सारे चेहरे बैठे हुए हैं, 30-40 साल से तो आप लोगों को देखते आ रही हूँ, कभी राजाखेड़ा के अंदर तो कभी धौलपुर के अंदर। आप लोग ये मन के अंदर चाहते हो मैं जानती हूँ, और इसलिए मेरे को बहुत लाज लपेट की बात आपसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत दिन से ऐसी रास्ते पे चलने की कोशिश में हैं। आज मेरे को आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि आपने मन के अंदर ये बात को फिर से गांठ बांध ली है। मेरे को मत कहना कि चुनाव का टाइम आ गया साहब, क्या करें, एक वोट अपने को कहता हो तो वो आ रहे हैं, अपने जाति का आदमी खड़ा है, अपने जाति को वहां खड़ा है, ये सब बातें नहीं सुनना है। अब हमको ये सुनना है कि समाज को तो हम आगे नहीं जाएंगे, परंतु जब तक हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हम अपने बच्चों को पैर पर नहीं खड़ा करेंगे, जब तक इन सब राजनीतियों के अंदर गिर के हम लोगों को कोई फायदा नहीं। इसलिए आज एक ही विषय को लेकर, एक ही विषय को लेकर बेचारा गरीब पिछड़ा धौलपुर अब पिछड़ा नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा, और उसमें सब जातियां 36 के 36 कौम सब मजहब एक साथ महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति देंगे, और ये तय करेंगे कि हम अपने अपने इस क्षेत्र को, हम अपने इस जिले को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं। हम पिछड़ा नहीं लेना चाहते, हमारे बच्चे नहीं लेना चाहते, हमारे किसान हमारी महिला नहीं लेना चाहती। तैयार हो तो जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मन की बात, आप लोग अपनी मन की बात कहेंगे मेरे को, अभी मेरे को पूछ करके मैं चली जाऊं, अरे जाएंगे भरतपुर, जाएंगे भरतपुर से आगे चली जाएंगे, मेरे को नहीं सुनना। मन की बात होगी तो बोलना, नहीं तो मत बोलना। अगर मन की बात है तो तय कर लो कि हम लोगों को राजाखेड़ा के अंदर अपनी लिफ्ट सिंचाई योजना लानी है, अपने को धौलपुर के अंदर पानी लाना है, तुम्हारे साथ है, मैंने बहुत सुना, पहले आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखे तो कोई नहीं। तैयार हो ना? तो चलो मेरे साथ एक नारा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान। राजस्थान की जय में हमारे परिवार की जय, हम लोग तब आगे बढ़ सकेंगे जब अपने परिवार को सुदृढ़ करेंगे, तो हमारा राजस्थान भी सुदृढ़ होगा। जय जय राजस्थान।